नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सो आज मैं मेरे साथ ज्वाइन किया है भीम यहाँ पे और हम लोग जा रहे हैं ताहुल्य पीक ट्रैकिंग पे। अब ये जगह आता है पनवेल, डोंबिवली और कल्याण इन रीजन्स के बीच में, और ये एग्जैक्टली फूड नहीं कह सकते, ये फेमस है अपने तीन पिनाकल्स के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी जस्ट हम रेडी हो गए हैं। दिस मॉर्निंग्स ने अबाउट 5 o'clock, अभी विद इन 15 मिनट्स में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे पहले डोंबिवली, और वहाँ से नॉट हम लोग डोमियोली ना, ये कटियाई कटाई नाका। कटाई नाका, वहाँ पर मीटिंग पॉइंट है हम लोगों का। बाकी अभी 24 मेंबर्स उधर ज्वाइन करेंगे हमें, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। इस वीडियो में जो भी एक्सपीरियंस होगा हम लोग और ट्रैकिंग का आपको पूरा ही बता दूंगा। हाँ, लोकेशन अच्छा है एंड व्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सो आई सजेस्ट, अगर अगर आपका प्लान बनता है ठीक है एंड जाना चाहते हो तो एक बार व्यूज़ देख लेना कैसा है, एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहेगा। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन पर्टिकुलर लोकेशन और इनका तो पहला ही है। ठीक है, चलो भाई या मिलते हैं आपको। सो हियर वी आर कटाई नाका के इधर, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बस उसी का वेट कर रहे हैं। वंस द बस अराइव वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स कोऑर्डिनेट एंड यहाँ से मूव देख रहे हैं। अब तक क्या मैं ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट टाइम जहाँ पे हम लोग बेस में पहुँच चुके हैं। टोल नाका था उसके साइड में, वो मेरे दोस्त ने उधर बुलाया उधर की भीड़। फाइनली ट्रिप का बेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे बस के अंदर थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर चेक, उतरने का ब्रेकफास्ट। अब ये लाइन से आगे भीम चलते हुए सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, और यहीं से एग्जैक्टली ताहुली पीक कौन सा साइड में पता चलेगा, बट नेचर बहुत ही बेटर लग रहा है। पानी का फ्लो दिखाता हूँ भाई यहाँ पे आपको, अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मड टाइप नज़र आएगा, बट उसके आगे अगर यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ तो क्लीन पानी नज़र आएगा। इसी के साथ यहाँ पे अभी तक के 30 मिनट्स का वॉक हो चुका रहेगा। 30 मिनट्स के वॉक के बाद अभी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और पीक के तरफ वॉक है। जो भी डिस्टेंस नज़र आएगा, जो भी नज़ारा नज़र आएगा बता दूंगा आपको वीडियो के थ्रू। सामने की तरफ भी अगर आप देखोगे तो क्लाउड्स वगैरह बहुत ही बेटर है इस साइड पे। इवन दिस साइड पे भी आपको क्लाउड्स नीचे उतरा हुआ नज़र आएगा। सन है बट सन क्लाउड्स के पीछे कैसे एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्विमिंग नहीं आता मुझे, पूरी मार्केट डायरेक्ट ज़्यादा गहरा भी नहीं, ज़्यादा गहरा लेकिन पत्थर पे रहता तो गया ना फिर। नहीं 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 मुझे पानी वो मस्ती है। शिस्त सगड़ी पाड़ी है, कोई कचरा नहीं कर मुझे कसा पता लगा हो रहा है। नंबर चालू रहेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम नजर आएगा। आठ वाटेला कुठेही जायचं नाहीये, पुढे पुढे मी असेल, मध्ये विनायक असेल आणि मागे आशीष असेल। त्याच्या पुढे कोण जाणार नाही, माझ्या मागे कोण थांबणार? ओके, आणि कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर आमच्या तिघांपैकी कोणालाही तुम्ही सांगू शकता। ठीक आहे, आणि आपल्याला हा लेंदी ट्रेक आहे, फटाफट कम्प्लीट करायचं आहे जेणेकरून आपल्याला वरती पीकवरती जास्त वेळ काढता येईल, आणि मग जे काय असेल आपलं ब्रेस लंच वगैरे काय आणलं असेल कोणी ते खायचं, आणि मग फोटो वगैरे आपला आपला आपलं आपलंच खायचं, आणि आणि फोटो वगैरे काय असतील ते आडवाटेला जाऊन काढू नका आणि शिस्त पाळा बस। बाकी काय आडवाटे म्हटलं आडवाटे म्हणलं आगे, ज्यादा आगे अजमेर में जाना, अजमेर में जाना मैं ना पॉइंट पे। हाँ अच्छा, हाय भैया की ज़्यादा लग गई है बट इतना हार्ड नहीं है, इट्स नॉर्मल। अगर आप सुख कर, हाँ हाँ बट इस मीडियम कह सकते हो, मेरे लिए तो नॉर्मल लग रहा अभी अभी तक तो। आई डोंट नो कैसा रहेगा।
आते हम जाते हैं ना भाई। अरे चल भाई अड़कला है कान बंद है काय करायचं मला पावतो मला पावतो थांबना चल तू केवला काय काय तर थांबली तर अजून कमेंट्री चालू हो गया नहीं अब कमेंट्री का ताकत नहीं रहा इनके तो वॉट लग गई टू एनीवन कैसा लग रहा है फर्स्ट एक्सपीरियंस मजबूत मजा आ रहा है थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हूँ खाली मुंह धो लिया थोड़ा हाइड्रेशन मैं बोला कि अगर आपको बीच में अगर थोड़ा सी थकान लगती है आपको दिया क्लियर वो आप खा सकते हैं नहीं वो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे नहीं वो आपको एनर्जी बूस्ट करता है तो आप ले खा सकते हो वो चीज ठीक है बाकी क्या बोलूँ बाकी तो मजे में वो बैठ गए मुझे लगा ऊपर चढ़ रहे हो हाँ बढ़िया बढ़िया ऊपर आ जाओ फटाफट हालत हो चुका है यहाँ पे अकेला जो एनर्जेटिक है और जिसने कैमरा फूल किया हुआ दिस इज द प्लेस जहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा फोटो सेशन और फोटो सेशन के साथ ही यहाँ पे सामने का एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा लग रहा है जहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो क्लाउड्स थोड़ा सा नीचे उतरा हुआ लग रहा था बट यहाँ पे क्लाउड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है और इस साइड से देख रहे तो यहाँ पे फोर्ट और क्लाउड्स स्काई आगे के साइड पर भी तो वहाँ पर चलते चलेंगे यहाँ पर कुछ और क्लाउड्स और चलो भाई यहाँ पे प्लेस पहुँचते पहले प्लेस कौन सा जगह कौन सा दाउली दाउली ताहवली टी एच ओके ताहवली 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 पीक में फाइनली पहुँच चुके हैं अभी भाई क्लाउड्स क्लियर ही नजर आ रहे हैं ब्लू स्काई के साथ और इन लोग कुछ हॉल्ट के बाद थोड़ा एनर्जेटिक हो चुके हैं हाँ रिफ्रेशमेंट के लिए 5 मिनट के ब्रेक के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे दिस इज मी फाइनली जहाँ पे पसीना वगैरह सूख चुका है और थोड़ा एनर्जेटिक हाँ सांस थोड़ा सा फुल रहा है जहाँ पे ऊपर जा रहे हैं बट इट्स मैनेजेबल जब वहाँ से ऊपर आ रहे थे थोड़ा सा लो एनर्जी लग रहा था और भी मत रहा है यहाँ पे भैया का अभी बैग मेरे बैग के अंदर है ठीक है हाँ रीज़न और थैंक्स टू हिम करीबन 2 से 3 बैग उसने कैरी किया था साथ में अब फिलहाल मेरा बैग भीम के बैग के अंदर
तो थोड़ा सा रिलीफ है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सो और क्या हुआ? सो दिस इज राकेश मनोज नायडू लास्ट नेम राइट भाई। फर्स्ट टाइम गलत था बट लास्ट नेम में कोई याद था। और करीबन 2 साल के बाद ये ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? It was an amazing experience. चलो thanks to the navigators. टाइम कैलकुलेशन सही था एक्चुअली। 5 मिनट का टाइम बोल रहे थे बट 3 मिनट में मंदिर आ चुका। नहीं नहीं भाई 3 घंटा नहीं है। बोल रहे थे ना वो जो आगे गए नीचे, वो कंप्लीट ट्रैक थे और लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हॉल्ट लिया हुआ था। तो ये मंदिर है करीबन लॉक्ड है और ये शिव भगवान का मंदिर लग रहा है। एक सेकंड मैं बाहर से दिखा दूं भाई, अंदर तो जा नहीं सकते। जूम का कर होगा, जूम कर लेंगे। शिव जी का मंदिर है, मंदिर लॉक्ड है तो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द टीम जो और एक हॉल्ट लिया हुआ है। सो भीम थोड़ा सा मुंह धो के रिफ्रेश, बाकी के यहाँ पे हॉल्ट। ये फूल नज़र आ रहा है और ये फूल इसके लिए दिखा रहा हूँ कि कहते हैं कि ये पॉइजनस फ्लावर है। ये वे इस तरीके से चल रहे हैं, ये पीछे का रूट थोड़ा सा, हाँ सांस फूल रहा है यहाँ पे बट ठीक है भाई, कवर करना है आगे तक के तो पहुँचते हैं। अभी हमें ऊपर जाना है, ये सीढ़ी 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 और एंड पॉइंट पता नहीं। सही तुम्हें याद है हम गुफा के यहाँ पे पानी पिए थे? नहीं नहीं याद। सो भाई फुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाला एडवेंचर, पता नहीं कौन सा पानी है बट ये लोग पिए जा रहे। नहीं पी सकता, तो देखते हैं इनको। देख देख वो केकड़ा, थोड़ा केकड़ा का बच्चा। वाह नॉनवेज वाला पानी। भीम इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हो गया जब उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ यहाँ पे। इतना डिस्टेंस आ चुके हम लोग अभी तक के और ये और ऊपर जाना है भाई। सच बोलूँ तो हालत बहुत एग्जॉस्ट। हाँ जाएंगे, हम भी जाएंगे, कंप्लीट तो करेंगे। इतना नहीं सर का भैया पहला है ना, सो इम्पैक्ट कर रहा है। अदरवाइज बाकी लोग कर रहे हैं, आधी टीम ऊपर पहुंच चुकी है, अभी 8 लोग नीचे हैं, जा रहे धीरे धीरे। एंड थैंक्स टू हिम भाई जो मेरा बैग कंटिन्यूसली वो नीचे आधे मतलब 10% कम्प्लीट हो रहेगा ट्रैक, तब से बैग उसकी बैग में और बेचारा वही बैग लेके क्लाइम कर रहा है, इसलिए उसका बैग इतना बड़ा नज़र आ रहा है। ऊपर जाके ले लेंगे। आगे कैमरा मैन भाई। पीक पॉइंट पर पहुंच गए भीमौर में। बहुत गर्मी थी लिटरली यार, मानसून एक्सपेक्टेड था बट ऐसा लग रहा था कि हम लोग समर ट्रैक पे आए हुए।
और यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइप, मतलब कुछ आपने अगर खाने के लिए लेके आया है तो आप शेयरिंग में बैठ के खा सकते हो लंच टाइम। यही नज़ारा आपको यहाँ पे बता के अब यहाँ से अभी थोड़ा सा चलेंगे, अभी थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है सो इट्स मच बेटर, बट थोड़ा सुकून लग रहा है। और ये ऐसा है कि ऑन ऑफ हो रहा है, अगर यही वेदर रहेगा तो उतना एग्जॉशन नहीं होगा, बट जब धूप आ जाता है अचानक से तब प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा बेटर लग रहा है जब बैठ के रिफ्रेशमेंट लिया। अब यहाँ से ट्रिप नीचे की तरफ चलेगा। सो भैया अभी आप बताओ ओवरऑल कैसा लगा एक्सपीरियंस? अच्छा था, ठीक है, खाली एग्जॉशन था, थोड़ा पैर दुख रहा था। यहाँ पे आप आगे की तरफ देखोगे तो कुछ हमारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, उसके आगे का नज़ारा ये आपको नज़र आएगा ये ऊपर से। अब इसी को अगर मैं घुमाते जा रहा हूँ तो ये पूरा व्यू, और इसके आगे जो बैठे हैं वो भी हमारे साथ ही आए थे, तो वहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए और भीम यहाँ पे आगे चलते हुए। दिस इज़ द रिटर्न ट्रिप। यहाँ से अब नीचे उतरते, सेम ही रास्ता है जहाँ से आए थे, वही साइड से नीचे चल रहे। बस उतरते टाइम पे जब भी आपको पैर रखने में प्रॉब्लम होता है, तब चढ़ते टाइम पे, उतरते टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता है भीम? तो मैं तुम्हारी जो आगे का फिट है ना वो दर्द करते हैं पंजे, बिकॉज फोर्स उसको लगता है, तुम पाँव रखते तो ऐसा रखते हो ना, रीज़न। बाकी के पब्लिक नीचे आते हुए, यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा ध्यान देके नीचे उतरते हुए। सो यहाँ पे ट्रैक पे नीचे आने के बाद भीम पोजिंग विद वड़ा पाव मिर्ची, प्रियंका नॉट इंटरेस्टेड इन पोजिंग, जहाँ पे बात सुन के वो अपना खाना ख़त्म कर रही है, बट एंड टाइम पे उसने डिसीजन चेंज कर लिया। सो प्रियंका कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा है। तो यहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो चुका है एंड वी आर एट कसई नाका। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, प्रियंका हो गया तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।